तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर का लेक्चर एक अलंकार। दोस्तों यूनिवर्स के अंदर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है भूषण, जिस प्रकार भूषण के द्वारा शोभा बढ़ती उसी प्रकार शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती उसे अलंकार कहा जाता है। अलंकार होती काव्य, अलंकार काव्य के निर्धारण में अंगीक होती या काव्य शब्दार्थ वन अलंकृति असो नाम मन्यते कस्मा धनुष मनलम कृति चंद्रलोक। अलंकार में अलम और कार दो शब्द हैं। अलम का अर्थ है भूषण सजावट अर्थात जो अलंकृत है भूषित करे हुआ अलंकार। शारदंडी ने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा कि काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकार प्रचते। चरभावन ने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा कि काव्य ग्राम अलंकारात सुंदर अलंकारा। अलंकार का महत्व तो समझने के लिए कुछ उदाहरण। राकेश की चांदनी यमुना के जल पर चमक रही थी। चार चंद की चपल चांदनी चमक रही यमुना जल पर, उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। सावन के बादलों से उसकी आंख बरसने लगी। पति को छोड़ कोई वरदान ले लो और कुछ ऊपर ले लो। भाषा और साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द अर्थ पर ही निर्भर रहते हो। विशिष्ट शब्द चमत्कार अथवा अर्थ वैशिष्ट कथन के सौंदर्य की वृत्ति तसी आधार पर अलंकार के दो भेद किए गए हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार। शब्दालंकार के भेद अनुप्रास यमक श्लेष है। यमक श्लेष शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। यानी कि ये सब शब्दालंकार हैं लेकिन अनुप्रास में कुछ गुण अर्थालंकार के हैं। यानी कि यमक श्रावण है श्लेष कुंभकर्ण विभीषण है। यानी कि भगवान का भक्त है इसलिए इसका झुकाव इसका अनुप्रास का झुकाव अर्थों की तरफ है। यानी कि अर्थालंकार की तरफ अर्थालंकार के भेद उपमा रूपक उत्प्रेक्षात संयुक्त भ्रांतिमान संदेह मानवी के वक्र प्रतीप विभावना संगत उल्लेख दृष्टान्त। दोस्तों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मैं इस तरह वीडियो बनाता रहूँ। दोस्तों।